आप, मैं संजीव एक बार फिर आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना करके ला रहा हूँ दोस्तों। ये है आज एक एग्जीबिशन के मैं दर्शन आपको कराने वाला हूँ, और ये पेंटिंग एग्जीबिशन सुवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट फैकल्टी में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो दोस्तों ये देखिए पेंटिंग्स, ये सब बाहर से आई हुई हैं। ये हल्द्वानी के पेंटर हैं, और ये है किनकी पेंटिंग है? अतुल कुमार, मिस्टर अतुल कुमार। अच्छा मिस्टर अतुल, अच्छा। ओके 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 ओके। और मिस्टर एच एम सिंह हैं, एच एम सिंह से ही हैं। अच्छा, ये भी लखनऊ के चित्र। ओके ओके, मिक्स मीडिया ऑन पेपर। बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स इस बारे में। अच्छा, प्रोफेसर शेखर चंद जोशी जी, नेल आर्ट है। अच्छा, नेल आर्ट, हाँ, वो काम है। बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी प्रचलित काम है इनका, और इनकी एग्जीबिशन काफ़ी बाहर कई जगह लगी हुई है नेल आर्ट से। और ये वर्क भी उन्हीं का जैसा लगता है, प्रोफेसर शेखर चंद जोशी जी का। ओके, और तो दोस्तों ये एग्जीबिशन, हाँ, राकेश और इसी तरीके से मिस्टर अतुल, ये आशीष कुमार है, ये भी लखनऊ से। आशीष कुमार जी की पेंटिंग है, ये पेन वर्क है लखनऊ से। तो दोस्तों ये एग्जीबिशन पूरे एक हफ्ते चली है, आज शायद इसका समापन है, समापन हो गया जिस एग्जीबिशन का। तो मेरा मन किया कि आप लोगों के लिए एक सूट करूं इसका। मेरा बच्चा चंदन आ गया। अच्छा चंदन, अच्छा चंदन जी, ये आप ही का काम है ना? हाँ सर, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। ये नंदा देवी ईस्ट वेस्ट है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आपका वो दूसरे एंगल से मैं इसका व्यू दिखाता हूँ। ये चंदन आर्य जी का काम। और ये सर, ये है कमलेश भट्ट और एमएफए का स्टूडेंट है। अच्छा, कमलेश भट्ट एमएफए के स्टूडेंट हैं। ये वाटर कलर किनका है जी सर? ये मेरा। ओके, अच्छा कौशल जी, हाँ, अच्छा काम करते हैं आप जी तो। सर धन्यवाद। गुड सर, ये मैंने ग्रामीण जीवन को दिखाया है। ये तो सर नेपाल का है। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र के जो घर होते हैं। अच्छा, मैंने दर्शाया गया है, और पीछे हिमालय। ओके ओके, इसी के साथ मैंने एक दूसरी पेंटिंग बनाई हुई है, इसमें भी हिमालय हमने लिया है और थोड़ा ग्रामीण दृश्य दिखाने की। ओके, बहुत सुंदर सुंदर। ये किन का वर्क है? कैनवस पे लग रहा है। ये बिपिन बोरा, बिपिन बोरा स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों देखिए कितने दुर्लभ से पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं, दुर्लभ ही कह सकते हैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना, वो एक बार जो स्टूप लग जाते हैं तो दूसरी बार उस तरीके के नहीं बन पाते हैं, और जब जो वो इस तरीके की कृति जब बनती है तो अपने आप में दुर्लभ ही कही जा सकती है। सही है, मिस्टर योगेश सिंह डसीला जी का वर्क। अच्छा, योगेश सिंह डसीला रिसर्च स्कॉलर है। अच्छा, रिसर्च स्कॉलर हैं। अच्छा, हाँ, योगेश डसीला के काम हैं। और ये वाला वर्क है किनका? सर ये असम से आया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये एक्रेलिक और कैनवस है। ओके ओके ओके, अच्छा चलो दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूँ, ये मेरा वर्क है, और ये लॉकडाउन के टाइम पे बनी हुई पेंटिंग्स हैं, और तीनों वर्क मेरे हैं। ये पहला वर्क, और ये दूसरा, और ये तीसरा काम। ये लॉकडाउन के दौरान बने हैं, तो इन तीनों पेंटिंग्स का नाम ही लॉकडाउन करके मैंने रखा था। और दोस्तों ये हैं मोहम्मद सलीम साहब, बहुत ही जाने माने नाम रहे हैं, इनका पेंटिंग करने का स्टाइल काफ़ी अच्छा हुआ करता था। आज हमारे बीच में ये चित्रकार रहे नहीं, लेकिन इनकी पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स होती हैं। आज हमारे बीच में इनकी पेंटिंग इनकी उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। 2022 में संभवतः हमने एक कार्यक्रम किया था, वर्कशॉप किया था, उसमें मोहम्मद सलीम साहब की आखिरी पेंटिंग संभवतः वो थी।
और ये वर्क किन के हैं सर? ये जो पहला वर्क है इसमें मुकेश चनियाल है। अच्छा, मुकेश चनियाल का बच्चा है। ओके, ये भी मोहम्मद बिलाल सैफी है। अच्छा, मोहम्मद बिलाल। और ये बिलाल के मैंने और भी काम दे रखे हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। माना कि उसका काम पेंसिल पे भी तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम। ये बच्चा योगेश भंडारी, MFA लास्ट ईयर का, ये इसका काम बहुत अच्छा था। देखिए, कुमाऊं की खोली इसमें चित्रित की गई है दोस्तों। ये जनजीवन मेरी पेंटिंग्स में भी काफ़ी दिखता था। और ये सुमित कुमार सा है, MA का। ओके ओके, हाँ। तो पर्याप्त दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे देखने को, एग्जीबिशन ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये वर्क इनका है, ये फूल समस्या का बच्चा है, बहुत सुंदर एक्रेलिक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये किन का काम है? श्री दक्षिता शाह। ओके, ये भी 6 समस्या की बच्ची है। बहुत अच्छे अच्छे काम देखने को मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे एक वाटर कलर देखिए, बहुत ही सुंदर काम किया गया। और तो ये सुवन सिंह जिना विश्वविद्यालय का अल्मोड़ा कैंपस में विजुअल आर्ट फैकल्टी, जिसमें BFA और साथ में BA ड्राइंग पेंटिंग, MA ड्राइंग पेंटिंग के विद्यार्थियों का काम यहाँ पर होता है। तो ये बड़ा अद्भुत सा काम देखने को मिल रहा है। और अल्मोड़ा शहर की तो अपनी पहचान है ही है। हाँ जी, सही, मेरा वर्क है। अच्छा, हिमालय की जो शाश्वतता और जो महिमा है तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, जो हिमालय की शाश्वतता, जो उसकी ब्यूटी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से दिखाने का काम है। अच्छा, और उसको जो यहाँ का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो एप्पल, उसको इसमें डालने का ट्राई किया है। और एप्पल जो है वो चावल से बनता है, तो उसी का ये चावलों को यहाँ पे इसे रिलेट करें, इसलिए यहाँ पे चावल के मतलब चावलों से आपने एक उसको थोड़ा सा सर मतलब खुशी के तौर पे उसे उछाला है। चलो, बहुत अच्छी बात, आप सुधार्थी हैं यहाँ पे। ओके, नाम क्या बताया था आपने? हितेश कुमार जी। तो ये अद्भुत से काम है दोस्तों। तो मैं बता रहा था कि अल्मोड़ा की एक बहुत बड़ी पहचान है आर्ट के फील्ड में। तो उसके पीछे, उस पहचान के पीछे इस विजुअल आर्ट फैकल्टी का बड़ा नाम है, उसका योगदान है। हाँ, ये किनका काम है? आपका कौन सा वाला काम आपका है? ओके, बहुत सुंदर काम कर रखा है ओम पर्वत। और ये रूमी दरवाजा ऊपर सर, रूमी दरवाजा वॉश पेंटिंग कहाँ का सर? अच्छा, ये वॉश पेंटिंग टेक्निक कहाँ से सीखी आपने, किससे प्रभावित है? हम क्योंकि मैंने वहाँ से 2 साल का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग कोर्स किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ BFA डालते। तो किसी किसी वॉश पेंटर का नाम जानती हैं सर? किसी को पहचानती हैं? अच्छा, लखनऊ में भी हैं वॉश पेंटर, है ना? अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद करके हैं, अभी रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर हैं वो। तो वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, और उनका काम देखने को मिलता है। कभी उनसे मिलो, उनसे पहले उनसे भी एक बड़े अच्छे हस्ताक्षर हुआ करते थे वॉश पेंटिंग के, वो थे BN आर्या साहब। तो आज वो उनके काम हमारे बीच में हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के बहुत ही अद्भुत काम आए हुए हैं। और ये यहाँ पे हैं दिल्ली के चित्रकारों के काम। और हाँ, नंदिता मेहरा, आपका कौन सा काम है? ये काम है, बहुत अच्छा। कैसा लगा इस एग्जीबिशन में शिरकत करके आपको? सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, यूनिक आर्ट वर्क्स दिखे, बहुत सारा कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। ओके, ठीक, आगे भी कुछ करते रहेंगे। चलिए, अच्छी बात। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो बाहर से, दिल्ली से आई हुई हैं, बहुत ही अद्भुत पेंटिंग्स हैं। देखिए, वाटर कलर को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ये कुछ काम हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कोशिश करी कि काफ़ी संक्षेप में आप लोगों को इस एग्जीबिशन के नज़ारे आप तक पेश करूं। ठीक है, शुक्रिया। आप लोग ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।